तो आज मैं एक देहाती बिहारी देहाती खाटी देहाती मटन बना रहा हूँ। तो इसमें ऐसा मसाला लगेगा, यह है जीरा, यह है धनिया, यह है कश्मीरी मिर्च, यह तीखा मिर्च, इलायची, ये गोलकी, ये है बड़ा इलायची, छोटा इलायची, और यह है जायत्री, ये जायत्री है देखो, ये लौंग, ये सब खड़ा डालेगा हम इसमें। और डाल करके एक डालो मसाला उसमें सो ना। अब ये जो मटन है ये देखो, ये छोटा सा देहाती खासी का मटन है, इसमें मैं डालूंगा ये प्याज, और प्याज के साथ में क्या है अदरक और लहसुन, ये दो, ये अदरक है प्याज है। जल गए रे तो ये कम करो आँच। ये है बड़ा इलायची, ये छोटा इलायची, ये छोटा इलायची, और इसमें लहसुन थोड़ा फिर डालेंगे ऊपर लहसुन। उसके बाद डालूंगा ये गोल मरीच, अब इसमें ये बना रेडी है। ये देखो, ये आधा घंटा पहले इसको रेडी किया था, ये तो दिखाने के लिए इसमें कुछ हाथी जाती नहीं है, इसको बैठा करके छोड़ देना है। दालचीनी ऊपर से डाला, शाहजीरा है, शाहजीरा और एक पतला पतला है शाहजीरा है, इसको भी मैं डाल दिया इसमें, ऊपर आगे डालने से जल जाएगा, बहुत पतला होता है शाहजीरा इसे बोलते हैं। ये भाई इसको बोलते हैं मैं बैठौआ मानसू, बिहार ग्रामीण क्षेत्र में। अब रह गया ये आधा डाल दिया उसमें, इसका छोटा टुकड़ा करके आधा है टुकड़ा टुकड़ा डाल दिए। अब ये जीरा और ये धनिया को तीखा मिर्च नहीं है, एक ही का मर्चा है, थोड़ा सा डालना होगा इसमें। तीखा मर्चा है, हरा मर्चा नहीं डालेंगे इसमें। जायत्री है देखो, ऊपर से भी डालेंगे। अब ये हो गया, अब इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा पानी से घोलेंगे, क्योंकि बिना पानी से घोले सूखा मसाला कभी भी मीट हो या सब्जी हो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पकौड़ से साइड में जल जाता है। इसको थोड़ा घोलना पड़ता है, कुछ भी बनाओ इसको थोड़ा सा घोल लीजिए। ये घोल लिया, ये जीरा धनिया सूखा तीखा मिर्च सब घोल लिया मैं। ये कभी भी बनाओ तो सूखा जो पाउडर है उसको थोड़ा घोल लो, नहीं तो जल जाएगा
और टेस्ट भी नहीं होगा और बेकार मसाला चला जाएगा। घोल लिया इसको, देखो मसाला को, इसमें है जीरा, धनिया और तीखा मिर्च यानी कि लाल मिर्च, इसको भी मैं डाल दिया। तो देखो डाल रहे हैं, एक घोल कर हमेशा ही डालना चाहिए, सूखा कभी भी नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो होता नहीं है, जल जाता है। ओके, क्या करना है हमें? नमक डालना है। नमक डालना है। ओके, यह खांटी देहाती बिहार का चंपारण का है, मैं उजरी का हूँ, मेरा नाम पर्ची ये है, पपीता ही होगा जान, ये कश्मीरी मिर्च है, ये रंग के लिए डाला गया लास्ट में। अब जो क्या करना है, सौन फोन लिया, अब इसको कुछ नहीं करना, कोई फ्राई नहीं, कोई कुछ नहीं, इसको अब बैठा देना। ये है बैठा हुआ चिक मटन, ये देहाती है, खाटी देहाती चंपारण में बनता है, इसको देखो आप। बैठा हुआ का मतलब होता है, यह साइड का एक भाषा है कि सब मिला जुला करके मिक्स करके एक ही वो बैठा दो, कोई फ्राई प्याज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है इसे। अब इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगा ये कश्मीरी मिर्च, ये देखो थोड़ा डालूंगा, एक कलर के लिए, इसका कोई दूसरा काम नहीं है, ये कलर के लिए थोड़ा डालूंगा, डाल दिया मैं। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको ढक देना है, बराबर बर्तन से इसको ढक लेना है और बीच में एक बार इसको थोड़ा चला लेना, क्योंकि प्याज का जो पानी निकलेगा उससे ही सीझ जाएगा, यानी कि चंपारण का देखो बन गया। देखो ये कढ़ाई में ही बना, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग है। क्या प्रोसेसिंग है कि कढ़ाई और उसका ढकना फिट होना चाहिए, और ऊपर में कोई भारी चीज़ रखते हैं। देखो ये देखो कितना नरम सीझा है, देखो ऐसे हाथ से टूट जाता। देखो अगर आपको समझ में आता है कि शायद कढ़ाई भी नहीं हो और घर में कुकर होगा, हल्का आंच करके चार सीट लगाता ना, देखो इसमें थोड़ा सा तरी रखना पड़ता है, और अब इसको निकालूंगा, बढ़िया चावल का भात बना है उससे इसको परोस दूंगा, खाना वाला खाएगा खाएगा ले जाएगा ना खाएगा। अबे मीट जम रहा है ये, और इसको निकाल रहा हूँ मैं, ये है बिहारी देहाती मांस, अब इसको यहाँ रखा, ठीक है, थैंक यू। बिहारी देहाती मीट बनाया हूँ, मटन सब एक ही बार सौन सावन का बैठा दीजिए। अगर समझ में आता है आपको कढ़ाई भी नहीं बना पाओगे डेक्ची में, तो कुकर में हल्का आंच में तीन सीट मार दो। थैंक यू।